हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में सुना होगा, जाना होगा। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपने इन रीति रिवाजों का जिक्र सुना होगा। लेकिन आज हम जिस देश के रीति रिवाज आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ रिचुअल्स पर तो आपको खुद यकीन नहीं होगा। इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराएं इतनी अनूठी हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है, इस देश में एक ऐसी रीत है जहां पर पेरेंट्स शादी से पहले अपने बच्चों को सेक्स करने की इजाजत देते हैं बिना किसी रोक टोक के। इतना ही नहीं, वो खुद रूम तैयार करते हैं अपने बच्चों की गोल्डन नाइट के लिए। और इसी सेक्स के प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है कि वो उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है कि नहीं। है ना कितनी हैरानी वाली बात। और भी इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आज आपको इस देश के बारे में मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एशिया में स्थित एक बेहद ही खास रीति रिवाज वाले देश की सैर पर, जिसका नाम है कंबोडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, कंबोडिया देश फ्रांस से 9 नवंबर 1953 को आजाद हुआ और एक स्वतंत्र देश बना। कंबोडिया देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिसका कुल ऑफिशियल क्षेत्रफल 1,81,035 वर्ग किलोमीटर है और ऑफिशियली इसकी कैपिटल नोम पे है। कंबोडिया देश का राष्ट्रीय ध्वज पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है दोस्तों, जिसमें एक इमारत दर्शाई गई है। कंबोडिया देश में आज भी राजशाही कायम है और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर है और ऑफिशियल करेंसी रील है। कंबोडिया अपना बॉर्डर उत्तर पश्चिम में म्यांमार से, उत्तर दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से, उत्तर में लाओस से और उत्तर पूर्व और दक्षिण में वियतनाम से शेयर करता है। आज भी बहुत संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर कंबोडिया में हैं। यहाँ आज भी अंकोरवाट मंदिर नामक विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंकोर नामक स्थान पर मौजूद है। कंबोडिया देश के अधिकतर निवासी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। यहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी बौद्ध धर्म ही है। कंबोडिया देश में सबसे बड़ा उत्सव नए साल का जश्न होता है, जो हर वर्ष मध्य अप्रैल में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को स्थानीय भाषा में चोल चम कहा जाता है, जो पारंपरिक फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। हालांकि यहाँ आपको अनेक प्रकार के तीज त्योहार तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही अनोखे हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, ये दुनिया अजीबो गरीब चीजों के साथ अजीब गरीब रस्मों से भी भरी है। कुछ तो इतनी अजीब है कि इसके बारे में जानकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही एक रिवाज है जिसमें लड़कियों को अपने पति के चुनाव के लिए अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाना होता है, और ये रिवाज कंबोडिया में ही चलता है। ये रिवाज कंबोडिया के केरुंग समुदाय के लोगों में फॉलो किया जाता है। इसमें माँ बाप अपनी बेटियों की सेक्स लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, बल्कि जब तक उनकी बेटी को सही लाइफ पार्टनर ना मिल जाए, तब तक उसे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। इसलिए उसके माता पिता एक खास तरह की झोपड़ी तैयार करते हैं, जिन्हें लव हर्ट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स और कई लोग कंबोडिया के इस समुदाय को करीब से जानने और समझने के लिए इस पर रिसर्च कर चुके हैं। इस समुदाय के बीच रहने पर इससे संबंधित इस रस्म के बारे में बहुत सारी बातें भी सामने आई। खास बात तो यह है कि समुदाय की लड़कियों को अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने में कोई असहजता नहीं होती है, यानी वो पूरी तरह से कंफर्टेबल होती है। लुइस क्विल नाम के एक फोटोग्राफर ने जब इन समुदायों की लड़कियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वे इसे लेकर कॉन्फिडेंट हैं और जानती हैं कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए। बल्कि उनका मानना था कि इन लव हर्ट्स की वजह से उन्हें अपना सही पार्टनर चुनने का मौका मिलता है। इसका जिक्र booklatia.com और अन्य रिपोर्ट्स में भी मिलता है, जो इस समुदाय पर लिखी गई हैं। जिन लोगों के साथ लड़कियां संबंध बनाती हैं, अगर उनमें से कोई उन्हें हमसफर के रूप में पसंद आ जाता है, तो बाकी लोग इससे ना ही दुखी होते हैं, ना ही उन्हें कोई जलसी होती है, ना कि किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आता है, बल्कि खुशी खुशी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जब दोनों लोग शादी करते हैं, तो इस उत्सव को कंबोडिया के लोग बहुत ही खास तरीके से मनाते हैं। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा अच्छा खाना बनाकर धूमधाम से पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। हालांकि लड़कों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है कि उनकी वाइफ ने पहले भी किसी के साथ संबंध बनाया होता है, और ना ही वाइफ को आपत्ति होती है कि उसके हस्बैंड ने किसी के साथ संबंध बनाया है,
जबकि यहाँ से एक नया जीवन शुरू करते हैं। में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था आज भी बहुत खराब है दोस्तों। अंकोर के प्राचीन ढांचे आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। जबकि अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर भी है। मंदिरों के अवशेषों का मैदान 500 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जो माचू पिचू की साइट से लगभग 50 गुना बड़ा है। देश का एक दिग्गज वाला अतीत भी है, जो पहले कभी नहीं हुआ। खमेर शासक के 4 वर्षों के दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। ये जनसंख्या पांचवा भाग थी दोस्तों। 1975 टू 1979 तक नरसंहार के कारण कंबोडिया के 63% आबादी 30 से कम उम्र की है दोस्तों। कंबोडिया में 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल में नए साल का जश्न मनाते हैं। हर साल अप्रैल में मध्य में ये जश्न आयोजित होता है। पारंपरिक फसल के मौसम के अंत का ये प्रतीक है। कंबोडिया में ये साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है और इसे चौल चन्नम थमी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश को प्रकृति ने भी बहुत खास बनाया है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी आकर्षक पानी की झील आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसका नाम है टोनलेट सैप। कंबोडिया के लगभग मध्य एशिया को जीविका प्रदान करती है ये झील। मछली पकड़ने का ये महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इस झील के बारे में आकर्षक बात ये है कि इसका बड़ा हिस्सा नमकीन मौसम के दौरान पुनर्जीवित हो जाता है, जब ड्रैगन की बारिश होती है और सीम रीप और नोम पेन के बीच के मध्य में बाढ़ आ जाती है। वैसे दोस्तों, इस देश के रीति रिवाज अनोखे क्यों ना हो, ये देश बिल्कुल अलग हटके क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप के बहुत ही कम विकसित देशों में से एक है, लेकिन प्रकृति और कुछ खास रीति रिवाज ने इस देश को बहुत ही खास बना दिया है। इसका इतिहास काफी विस्तृत रहा है दोस्तों। कंबोडिया का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के सबसे अधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण 802 से 1432 ईसा पूर्व खमेर राजा द्वारा किया गया था। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है, जो बहुत ही प्रभावशाली कलाकार के रूप में अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है। दुनिया के कोने कोने से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं दोस्तों। ये है कंबोडिया में घूमने लायक जगह, जिसका नाम है नोम पेह। नोम पेह कंबोडिया की राजधानी और कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर है। नोम पेह एशिया महाद्वीप के सबसे गतिशील शहरों में से एक है। यही कारण है कि दुनिया भर से सबसे ज्यादा लोकप्रिय चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नोम पेह कंबोडिया के प्राचीन और आधुनिक इतिहास का एक मिक्सचर है। नोम पेह में मुख्य आकर्षण के रूप में आपको नेशनल स्कॉटलैंड कैफेज और विभिन्न रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। नोम पेह को रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंकोर के देव राजाओं की अद्भुत महिमा के गवाहों के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको कंबोडिया में खूबसूरत बीचेस भी मिलेंगे। सिहानोक विले बीच कंबोडिया के कामपोंग सोम जिले में स्थित बहुत ही आकर्षक स्थल है। पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और खास जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।